गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ चैप्टर 11 मेजरमेंट एंड मोशंस पार्ट 2 साइंस बुक होराइजन ऑफ क्लास 6। सो लास्ट वीडियो में मैंने समझाया कि पहले हम लोग किसी भी चीज़ को मेजर करना होता था तो हम अंदाजे से मापते थे, तो हम जो मेथड्स यूज़ करते थे वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। फाइन, फॉर एग्जाम्पल सी, इफ़ आई टॉक अबाउट मेजरिंग ऑफ अ लेंथ यूजिंग हैंड्स, सो इट इज़ नोन एज द हैंड स्पैन। If you use the arm, it is known as the cubit. If you use your both the arms, it is known as the fathom. So what do you mean by hand span? Now in the hand span, it is the distance between the tip of the thumb and the tip of the little finger. So tip of thumb से लेके tip of middle finger तक जो भी distance है इसको हम क्या बोलते हैं, hand span। तो पहले हम ऐसे hand span use करते थे किसी भी चीज़ को मापने के लिए। The next is the cubit. Cubit क्या है? It is the distance between the tip of the middle finger की tip से लेके आपकी ये जो कोहनी है, elbow है, यहाँ तक अगर आप स्ट्रेच कर दें तो जो भी डिस्टेंस रहेगा दैट इज़ द क्यूबिट। नेक्स्ट इज़ द फेथोम। फेथोम क्या है? इट इज़ द स्पेस बिटवीन द आउट स्ट्रेच्ड आर्म्स। अब दोनों आर्म्स को आप स्ट्रेच कर ले बिल्कुल प्रॉपरली, स्ट्रेच करने के बाद जो भी आर्म्स के बीच में डिस्टेंस रहेगा दैट इज़ नोन एज द फेथोम। एंड फेथोम हम बेसिकली डेप्थ ऑफ द सी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। सो दीज आर द यूनिट्स बेस्ड ऑन द बॉडी पार्ट्स। सो पहले हम बॉडी पार्ट्स पे बेस्ड यूनिट्स ही यूज़ करते थे। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज़ द एक्टिविटी। In this activity, it is saying to understand the importance of using standard units of measurement, and material needed is a string and a foot ruler. So measure the following lengths using a string and then placing the string alongside the foot ruler and writing down the measurements in centimeter. You may need the help of a friend. अब आपको क्या करना है? आपको measure the following lengths using a string. अब कह रहा है स्ट्रिंग को यूज़ करके आपने लेंथ मेजर करनी है, एंड स्ट्रिंग को आप क्या करेंगे, फुट के रूलर जो है आपका फुट रूलर उसके साइड में रख दें और उससे मेजरमेंट मापे सेंटीमीटर में क्या रहती है। उसके बाद क्या करें, डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ योर थंब एंड द टिप ऑफ योर लिटिल फिंगर व्हेन योर हैंड इज़ फुली स्ट्रेच कॉल्ड हैंड स्पैन। उसके बाद अपने स्प्रिंग का जो आपके पास स्ट्रिंग है उसका डिस्टेंस मापना है सेंटीमीटर में, आप क्या करें अपनी थंब को और मिडिल फिंगर सॉरी आपकी लिटिल फिंगर जो है छोटी उंगली साइड वाली और जो थंब है उसको यूज़ करके उसको मापे। देन द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ योर मिडिल फिंगर, उसके बाद अपने मिडिल फिंगर का जो टिप है वहाँ से लेके आपके एल्बो तक का जो डिस्टेंस है क्यूबिट उसको यूज़ करके आप उसको मापे कि उसके कितना डिस्टेंस कितना उसका लेंथ रहा होगा। देन लेंथ ऑफ योर आउटस्ट्रेच आर्म्स, देन उसके बाद आप आउटस्ट्रेच आर्म्स को स्ट्रेच करके उसको मापे कॉल्ड फेथोम जिसको हम बोलते हैं। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू डू द सेम, देन कंपेयर योर वैल्यूज विद दोज ऑफ योर फ्रेंड। देन उसके बाद अपने दोस्त को बोले कि यही चीज तीनों तरीके यूज़ करके उस स्ट्रिंग की आपने क्या मापनी है, लेंथ मापनी है, ठीक है ना, स्ट्रिंग की लेंथ मापे। एंड उसके बाद देखें दोनों वैल्यूज़ में कंपेयर करें कि आपके हाथ या आपकी क्यूबिट या आपके फिथम को यूज़ करके जो वैल्यूज आई हैं इज इट एग्जैक्टली मैचिंग विद योर फ्रेंड्स वैल्यू। देन नाउ यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू डू द सेम, देन कंपेयर योर वैल्यूज विद दोज ऑफ योर फ्रेंड। फाइन, अपनी वैल्यूज़ को अपने दोस्त ने जो भी वैल्यूज़ निकाली हैं उनसे कंपेयर करें। यू मे रिक्वेस्ट योर टीचर ऑल्सो टू डू द सेम एक्टिविटी एंड कंपेयर योर मेजरमेंट्स, एंड वॉट विल द डिस्कशन इन द कंक्लूजन, यू विल फाइंड दैट लेंथ ऑफ क्यूबिट हैंड स्पैन एटसेट्रा वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो अगर आप अपनी वैल्यूज़ और अपने फ्रेंड्स की वैल्यूज़ कंपेयर करेंगे यूजिंग द क्यूबिट हैंड स्पैन एंड द फेथोम, यू विल सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज, बिकॉज द लेंथ ऑफ द क्यूबिट, द लेंथ ऑफ द हैंड, द लेंथ ऑफ द हैंड स्पैन एटसेट्रा इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। वाई Now a measurement that relies on a unit whose value varies from person to person is not at all a reliable one. अगर आप ऐसी measurement ले रहे हैं, एक ऐसा method use कर रहे हैं किसी चीज़ को मापने का जो person to person vary कर रहा है, यानी कि वो सही नहीं है, वो trustworthy नहीं है। So therefore we need a method of measurement that will give uniform readings for the same object measured. So हमें किसी एक ऐसे method की ज़रूरत है जो हमें एक समांतर readings दें और जो सही हो। Fine. एंड दैट इज़ वाई वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट्स, इसलिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, स्टैंडर्ड यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज़ द स्टैंडर्ड यूनिट्स। नाउ वॉट आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स? दीज आर दोज यूनिट्स दैट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। अब वो यूनिट्स जिनकी वैल्यूज फिक्स्ड हैं, देयरफॉर डू नॉट वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस, और वो पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस वैरी नहीं कर रही। इफ़ यू लुक एट योर रूलर, अगर आप अपने रूलर को ध्यान से देखें, यू विल फाइंड दैट One edge has marking in centimeters and the other edge has marking in inches, and the distance between the markings does not vary from ruler to ruler. So standard units वो units हैं जिनकी value fixed है, person to person, place to place जो vary नहीं करती। It is saying कि अगर आपने ruler को देखें तो उसमें centimeter और inches की units हैं, और ये कहीं भी आप देख लें किसी भी ruler में वो same ही रहेगी, तो वो unit fixed हो गई। So standard units are basically the fixed units. सो अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज़ करेंगे तो हमारे पास गलती करने का कोई चांस ही नहीं रहेगा और ना ही उसमें कोई एरर रहेगा। सो
इट इज़ नाउ सेइंग योर सेंटीमीटर्स एंड इंच आर द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ. अभी हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं लेंथ की. एंड इफ़ यू मेजर अ सर्टेन लेंथ से लाइन ऑफ 10 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, इट विल मेजर 10 सेंटीमीटर ऑन एनी रूलर योर्स, योर फ्रेंड्स और एनी वंस इज फाइन डज. एंड दिस इज मीन्ड बाय अ स्टैंडर्ड यूनिट एंड इट इज़ फिक्स एंड डज नॉट चेंज डिपेंडिंग ऑन हु इज मेजरिंग. एंड लार्जर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ आर माइल एंड द किलोमीटर. सो इट इज सेइंग इफ यू मेजर द लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड इफ यू यूज एनी ऑफ द रूलर, योर रूलर, योर फ्रेंड्स रूलर और फ्रॉम एनी प्लेस इफ यू यूज एनी रूलर, द मेजरमेंट विल बी द सेम विच इज 10 सेंटीमीटर एंड इट विल नॉट वेरी. सो योर मेजरमेंट इज नॉट वेरिंग, इट इज़ फिक्स्ड. सो इट इज़ द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट. हाई एंड जो लार्जेस्ट स्टैंडर्ड यूनिट्स है लेंथ की वो है किलोमीटर और द माइल. सो इफ यू वॉन्ट टू मेजर द लेंथ, सॉरी इफ यू मेजर द डिस्टेंस from your home to your school, you cannot use the ruler, you have to use something else. So there is a large distance. For the larger distance or the larger lengths, you can say, we use the unit like miles and the kilometers. Now next is the SI units. Adapting standard units of measurements does not fully solve the problems of having uniformity in measurements. It is saying, अगर हम standard units भी अपना लें उसके बाद भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं होती है एक समांतर की, कि हर जगह वैल्यूज़ में समांतर बना रहे या समान बना रहे, हर एक चीज़ यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, वो चीज़ नहीं पूरी होती अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट्स भी अडॉप्ट कर लें. क्यों? क्योंकि लोग अलग अलग कंट्रीज़ में रह रहे हैं और हर एक कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स का सेट है. तो उस चीज़ को समांतर करने के लिए, यूनिफॉर्म करने के लिए क्या किया साइंटिस्ट ने, ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक कॉमन सेट ऑफ यूनिट्स को अपनाया जिसको हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट्स. एंड इट इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर दिस सिस्टम इंटरनेशनल इन फ्रेंच. एंड एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज़ द मीटर. सो इट इज़ सेइंग द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज मे बी यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स. सो फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड हैव अडॉप्टेड अ कॉमन सेट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड द एसआई यूनिट्स. And it is the short form for system international and the SI unit of length is the meter. So यानी कि पूरी कंट्री में अगर मुझे इतनी लेंथ को कंपेयर करना है तो मैं कौन सी यूनिट में कंपेयर करूँगी, इट इज़ द मीटर. एंड दिस इज़ द सेट विच इज़ अडेप्टेड बाई, विच इज़ द एक्सेप्टेड बाई ऑल ओवर वर्ल्ड एंड इन ऑल द कंट्रीज. एंड दैट सेट ऑफ यूनिट्स आर नोन एज द स्टैंडर्ड ऑफ द सिस्टम इंटरनेशनल. नाउ नेक्स्ट इज़ द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. It is convenient to represent distance between two cities in a bigger unit such as kilometer and the length of a smaller eraser in smaller unit such as centimeter. अब कह रहा है कि मुझे अगर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है, दो सिटीज़ के बीच में डिस्टेंस मुझे मापना है, तो मुझे लेंथ की बड़ी यूनिट चाहिए जैसे कि किलोमीटर, और अगर मुझे छोटी इरेजर की लेंथ मापनी है तो मुझे छोटी यूनिट चाहिए जैसे कि सेंटीमीटर. एंड वी कैन कन्वर्ट अ वैल्यू रिप्रेजेंटेड इन मीटर इनटू एनी अदर डिजायर्ड यूनिट. और हम इन वैल्यूज़ को एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी कैन कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू द किलोमीटर, वी कैन कन्वर्ट इनटू मीटर आल्सो. फाइन. सो यूनिट हम इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, लेंथ की बड़ी ले रहे हैं या छोटी ले रहे हैं. सो इफ़ यू वॉन्ट टू कन्वर्ट अ वैल्यू रिप्रेजेंटेड इन मीटर इनटू अ बिगर यूनिट, वी कैन डू बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 10, 100 or 1000. अगर मुझे मीटर को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, इसे मल्टीप्लाई करूँगी 10 से 100 से 1000 से. और अगर मुझे उसे छोटी वैल्यू में अपनाना है तो मैं उसे डिवाइड करूँगी. सो टेबल 11.1 लिस्ट सम कॉमनली यूज यूनिट्स दैट कैन बी डिराइव्ड बाय मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग अ वैल्यू रिप्रेजेंटेड इन मीटर. So you can see here, this is the related relation to meter in units. का जो relation है meter से लिखा गया है, like millimeter is what? अगर आप meter को 1000 से divide कर दें, that will give you the millimeter, mm. If you divide meter by 100, it will give you the centimeter. And if you multiply meter by 1000, it will give you the kilometer. तो यानी कि मीटर को अगर आप डिवाइड करते हैं किसी चीज़ से तो आपको छोटी यूनिट मिलेगी, और मीटर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बड़ी यूनिट मिलेगी. तो आप देख सकते हैं मीन्स मिलीमीटर कैसे मिल रहा है, मीटर को 1000 से डिवाइड करके, तो मिलीमीटर एक छोटी यूनिट है. और आपको फिर से आपको सेंटीमीटर कैसे बन रहा है, मीटर को 100 से डिवाइड करके, तो सेंटीमीटर छोटी यूनिट है. और किलोमीटर कैसे मिल रहा है, 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो किलोमीटर आपकी बड़ी यूनिट है. अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दे रहा है, कह रहे हैं सोनम लिव्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम रवि'स हाउस, हाउ मेनी किलोमीटर इज इट. राइट. एंड वी कैन सी यू आर 1000 मीटर इज 1 किलोमीटर. सो अगर आपका जो सोनम है वो 3000 मीटर के डिस्टेंस पे रह रही है रवि के घर से, तो कितना किलोमीटर हो गया. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 3000 मीटर है तो ये 3 किलोमीटर हो गया, बिकॉज 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर. So therefore we can see that Sonam lives at a distance of 3 kilometers from the Ravi house. So in this video I have discussed about some units which we have, some methods which we used earlier like Hantzmann, Cubitt and the Fathom.
And then the standard units, which are the fixed unit that is reliable and that which is accurate. The SI units, which are adopted by all over the world, which is system international. And like another is the conversion of unit. Using this part, we can convert any unit into bigger one and the smaller one. So we are comparing it with the meter. Fine, through meter you can go upward also, you can go downward also. Means you can meter ko use karke aap badi value bhi la sakte hain aur choti unit bhi la sakte hain. Badi unit jaise kilometer aur choti unit jaise ki millimeter or the centimeter.